गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आर ओ वाटर सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक पंप का प्रेशर बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करना चाह रहा हूँ। आखिर में इस पंप में प्रॉब्लम क्या है, सो देखना है। सबसे पहले इसका हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, देखिए इसका प्रेशर बहुत कम है। ये पूरा इसका प्रेशर इतना ही पे डाउन हो रहा है, ये प्रेशर बहुत आगे तक होना चाहिए। और अगर मैं इसको दबाऊं तो काफ़ी प्रेशर महसूस होना चाहिए। और प्रेशर गेज है मेरे पास, ये अगर मैं इसे चेक करूं तो प्रेशर ऐसा आना चाहिए ताकि लगे क्या कि इसका PSI 120 प्लस हो, 140 हो, 160 हो, कम से कम 120 PSI तो होना ही चाहिए प्रेशर। तो इसके लिए मैं कुछ इसमें उपाय करूँगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। यदि हमारे नए व्यूअर होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं इसका पाइप खोल लेता हूँ। मैं इस पाइप को मैं इसमें डाल देता हूँ। चलिए अब इसको खोलने का उपाय लगाते हैं। व्यूअर मेरे आरा, वादा निभाना, वादा निभाना, भूल नहीं जाना। देख सकते हैं ये जो टेफ्लॉन गैस्केट है इसमें फ्री हो चुका है। इसमें ये प्ले करता है, जबकि इसको इसमें पूरी तरह टाइट रहना चाहिए। इसका बियरिंग सही है, फ्री है, 6200 तीन नंबर के जो बियरिंग है सही है, स्मूथ है, इसका रनिंग सही है। तो इसको हम टाइट करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें फेविक्विक का यूज करेंगे। फेविक्विक पर इंस्ट्रक्शन होता है कि होल्ड द ट्यूब अवे फ्रॉम फेस व्हाइल ओपनिंग। जब आप इसको खोलें तो आप अपने चेहरे से दूर रखें, क्योंकि अगर दो अंगुली या कोई भी अगर स्किन कर पर गया, अगर सट गया तो जनरली जल्दी वो हटता नहीं है। तो इसको वार्म वाटर से आपको ये करना है ताकि धीरे धीरे वो आपका जो सटा हुआ है अंगुली या कुछ भी वगैरह वो अलग हो जाएगा। या नेल पॉलिश रिमूवर का यूज करना है, आँख में या मुँह में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। प्लेंटी ऑफ वाटर आप यूज करके थोड़ा देर के लिए आराम पा सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर इस टंग का प्रॉब्लम हो आप डॉक्टर के पास जाएं। तो मैं कहूँगा कि इसका यूज़ सावधानी से करेंगे, ऐसा ना हो कि ये वीडियो देख करके आप कोई अपना नुकसान कर लें। ऐसे बच्चे लोगों के यूज का चीज़ तो है नहीं। मैं पहले से एक फेविक्विक में खोल रखा हूँ, मैं इसी का यूज करूँगा अभी। सबसे पहले मैं इस पर फेविक्विक डाल देता हूँ हल्का सा। फेविक्विक को आँख से मुख के तरफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ही खोलते हैं तो इससे बहुत ही तेज़ी से बाहर की तरफ निकलता है और ये आँख में पड़ सकता है। और जहाँ भी उंगली वगैरह पर जब ये पड़ता है तो चिपका ही देता है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखेंगे इसके यूज में। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो
अभी जितना का पंप रिपेयरिंग नहीं होगा उतना का आपका नुकसान भी हो सकता है। चलिए, मैंने चारों तरफ लगा दिया है, मैं इसके इस एरिया में भी लगा देता हूँ। लगभग चारों तरफ लग गया है, फिर मैं इसको अभी बंद कर दे रहा हूँ। मैंने इसको बंद कर दिया। थोड़ा सा हम इस पे, मेरे पास अभी मिट्टी बालू टाइप का है, मैं इस पे डाल देता हूँ। देख सकते हैं हम इस पे थोड़ा सा मिट्टी डाल रहे हैं इसके चारों तरफ। इससे क्या होगा कि इसका जो एरिया है रुखरा हो जाएगा, और रुखरा हो जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो उसमें वो स्लिप कर रहा है वो टाइट हो जाएगा बिल्कुल। जनरली ये टेफ्लॉन गैस्केट मिलता नहीं है मार्केट में, और तत्कालिक यदि आप पंप को चेंज करने की स्थिति में न हो तो आपको कोई ना कोई तो तकनीक अपनाना नहीं पड़ेगा। यदि आप नहीं अपनाते हैं तो बस प्रॉब्लम ये बना ही रहेगा। चलिए, मैंने इसमें चारों तरफ से डाल दिया है, अब इसको झाड़ दे रहे हैं। इसमें जो भी एक्स्ट्रा होगा सो निकल जाएगा। अब मैं इसको इसमें इसको ठोक देता हूँ। देखिए अब ये टाइट हो रहा है, अब जा ही नहीं रहा है, तो इसको हम इसमें ठोक देते हैं। देखिए अब टाइट जा रहा है, ठोकना मुश्किल हो रहा है, जबकि पहले ये फ्री था इसमें। ये बिल्कुल काम करेगा जहाँ तक की उम्मीद है हमें, हमने कई बार ऐसा करके देखा है कि काम करता है। इसकी फिटिंग बराबर आनी चाहिए, चारों तरफ से आपको घुमा घुमा करके इसको मारना होगा। चलिए, ये पूरा का पूरा नीचे तक सट गया है, और मूव करने पर भी जो है ना ये फ्रिज मूव हो रहा है। अब मैं इसको जैसे ये फिट था मैं उसी तरह से इसको मैं फिट कर देता हूँ। देख सकते हैं आप इसको, इसका जो कटिंग वाला भाग है मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, और इसका जो इसके अंदर भी जो है होल के अंदर जो कटिंग है मैं उसको एकदम सामने सामने मिलाकर लगा देता हूँ। ये जो नीचे वाला जो होल होता है उसको इस तरफ लेग है, उस लेग के ही तरफ रखना चाहिए। जैसे कसा हुआ था मैं फिर से इसको टाइट कर देता हूँ। व्यूअर मेरे यारा, वाना वाना, वीडियो लाइक करना, भूल नहीं जाना। ओ मेरे व्यूअर, दिल तोड़ के मुंह मोड़ के, व्यूअर मेरे यारा, ओ वादा निभाना, भूल नहीं जाना, वीडियो लाइक करना, भूल नहीं जाना, वीडियो कमेंट करना, भूल नहीं जाना।
वीडियो शेयर करना, भूल नहीं जाना व्यूअर मेरे यारा, वादा निभाना। देखिए पानी अभी खींच नहीं रहा है, इसको थोड़ा पानी खींचने का उपाय लगाना होगा ताकि ये पानी खींचे। मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, देखिए अब पानी आने लगा। और इसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका है, दबाने पर ये झिकझिक झिकझिक की आवाज़ कर रहा है। चलिए देखते हैं इसका प्रेशर कितना है, ये काम का हुआ कि नहीं। इतना मेहनत करने के बाद काम का होना चाहिए इसको। इसका PSI मैं आपको दिखाऊं, इसका PSI है 100 से ऊपर। यदि ये तो छोटा सा बाल्टी के पानी से ये पानी उठा रहा है, जिसका इसका तो PSI 10 भी नहीं है, कम से कम 10 PSI होना चाहिए। और ये आपको दिखा रहा है 100 110 के आसपास, इसको आप देख सकते हैं। तो जनरली ये अच्छा खासा प्रेशर बन चुका है, देखिए इतना ये हो गया कि निकल नहीं रहा था। पहले से इसका प्रेशर बढ़ा है। इस तरीके से आप अपना काम इजीली निकाल सकते हैं। आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।